जिला परिषदों के और उनके साथ साथ सभी ग्राम केंद्रों के इंचार्ज उसके बाद सभी काबू के अपने अपने गांवों के प्रधान डीसी मेंबर सभी प्रमुख वर्कर्स जिन्होंने आपको मैसेज दिया और आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आग्रह रहेगा कि आराम से ज्यादा राशि ना डालें, घंटा डेढ़ घंटा आराम से लगेगा तो आप लोग आराम से जाएं और सबको लेकर के जाएं, जहां ना किसी को छोड़े, गाड़ियां आराम से चलेंगी। और प्रियंका गांधी का कहना है कि मेरे भाई को लगातार और प्रधानमंत्री को उन्होंने शहंशाह कहा है, उन्होंने कहा कि मेरा भाई जो है तो पहले पत्ते डालता और प्रधानमंत्री के भी। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव पहले ही हार मान चुकी है और अब कभी ईवीएम पर, कभी इलेक्शन कमीशन पर, तो कभी किसी और पर ठीकरा फोड़ने की काम कर रही है। कांग्रेस को समर्थन हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान से मिल रहा है। और ये विदेशी ताकतें जिनकी उम्मीदें कांग्रेस से, वो उम्मीदें कांग्रेस से लगाए बैठे रहें, कांग्रेस को देश की जनता वापस स्वीकार नहीं करेगी। जो हमारी सेना को कमजोर करना चाहते, सेना की ताकत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, और जो लोग 60 साल में देश की जनता को गरीब ही करते रहे, अब वो लोग मोदी जी के सामने, मोदी की गरीब कल्याण की सरकार के सामने बहुत छोटे पाए जाते हैं, क्योंकि जनता ने आशीर्वाद मोदी जी को देने का मन बना लिया है। सर, महाराष्ट्र के बड़े नेता है, उन्होंने जो आतंकवादी कसाब को हवलदार ने गोली मारी थी ऐसी बयानबाजी से कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी की किरकिरी भी करवा रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं और देश के सामने बेनकाब हो रहे हैं कि कांग्रेस पुलिस कर्मियों की, हमारे सेना के जवानों की, उनकी शहादत पर भी मजाक उड़ाती है। और संवेदनशील कांग्रेस बिल्कुल नहीं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, कभी डोकलाम पर जो हमारी सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, और कसाब जैसे लोगों को पकड़ने के बाद भी पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करती, उल्टा इस तरह के बयान देकर कांग्रेस दिखाती है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में वोट बैंक के चलते किस स्तर तक गिर सकती है। 200 से ज्यादा वाइस चांसलर ने राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की है, अगर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग वो खुलकर सामने आए तो बहुत बड़ी घटना है, और इससे दिखाते हैं कि कांग्रेस ने कैसे भय, भ्रम, अफवाहें फैलाने का काम किया, डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। आज कांग्रेस को अपनी हार दिख रही है तो डीप फेक का इस्तेमाल कर रही है, वो अफवाहें फैलाने का काम कर रही है, मोदी जी को बदनाम करने का काम कर रही है। सच्चाई ये है, मोदी जी लोगों के दिलों में बसते हैं और जो राम को लाए हैं मोदी जी को वही लाने वाले। सर, सतपाल यादव ने आरोप लगाया है कि अनुराग ठाकुर जो हिमाचल में आपदा आई है वह मुद्दा केंद्र में नहीं उठा पाया, राष्ट्रीय आपदा घोषित। मुझे लगता है कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत नहीं, कांग्रेस में बड़े नेता से लेके बाकी सबका हाल ऐसा ही है। 20,000 मकान एक साल में मंजूर अगर किसी ने करवाए तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यहाँ की आपदा के समय कराए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से लेके बाकी सब, जयराम जी, बाकी सब हम लोग जाके 1,762 करोड़ रुपये अलग मंजूर कराए, मनरेगा की रास्ते से लेके डंगे लगाने तक पैसा हमने दिलाया। कांग्रेस ने तो बंदर बांट करके तरपाल में भी देखा कौन कांग्रेस का कौन भाजपा का, अरे जो पैसा दिलाया वो भी खर्च नहीं कर पाई, अपने तो कांग्रेस ने खर्च ही कुछ नहीं किया सरकार ने, जो केंद्र से दिलाया था वो भी खर्च नहीं कर पाए। और मैं एक और उनको याद करवाता हूँ, जब कोविड का समय था तब भी मैंने केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र ही पूरे हिमाचल प्रदेश के हर जिले को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मास्क, सिलेंडर, पीपी किट से लेकर बाकी सब कुछ देने का काम किया। हम आपदा में राजनीति नहीं करते, हम आपदा में मदद करते हैं, और कांग्रेस के लोग नीचे गिरते हैं और जैसे गिरते हैं लोग अब उनको और गिराएंगे।